मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस वक्त मोहम्मद आमिर को रिटायरमेंट वापस लेने की दरख्वास्त की गई है पीसीबी की तरफ से। ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और मोहम्मद आमिर के जो फैंस हैं, जो मोहम्मद आमिर को खेलना देखना चाहते हैं, वो जो वेट कर रहे थे कि कब मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट वापस लेंगे, अब पीसीबी भाई साहब खुद जो है वो हाथ पांव हिलाना शुरू कर दिए हैं। पीसीबी की तरफ से फोन कॉल पर जो है वो राब्ता किया गया है पीसीबी की तरफ से मोहम्मद आमिर को। इसके अलावा इमाज वसीम को भी जो है वो राब्ता किया गया है कि आप जो है वो हमारी शिप में आए, यानी कि आप हमारे साथ शिप में रहें और खेलना स्टार्ट करें, आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो आ सकते हैं। मोहम्मद आमिर भी, इसके अलावा इमाज वसीम जिन्होंने कल रिटायरमेंट का ऐलान किया, उनको भी वापस रिटायरमेंट लेने का कहा गया था पीसीबी की तरफ से। ये पूरी खबर जो है मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इससे पहले दोस्तों, अगर आप भी जो क्रिकेट से रिलेटेड या फिर मोहम्मद आमिर इमाज वसीम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो ऑल पे कर दीजिएगा। तो कल से जो है वो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा। कल रात में कुछ किसी को पता नहीं था कि इमाज वसीम जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे, इमाज वसीम भी रिटायरमेंट दे जाएंगे। कल रात को ही इमाज वसीम ने वहां पर ट्वीट किया कि मैं जो है वो क्रिकेट छोड़ रहा हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा के। तो लेकिन इसके पीछे क्या चीज थी ये किसी को भी नहीं पता लगा और ना अभी तक पता लगा है। हुआ कुछ इस तरीके से कि पीसीबी ने मोहम्मद आमिर और इमाज वसीम को लीग्स खेलने से मना किया कि हम आप दोनों को जो है वो एनओसी नहीं दे रहे, आप हमारी मेंबरशिप में रहें, आप हमारे साथ रहें, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहें, हम आपको T20 वर्ल्ड कप साल सन 2024 का हिस्सा बनाएंगे, मोहम्मद आमिर और इमाज वसीम दोनों को। इसी के चलते भाई पीसीबी की तरफ से कॉल की गई इमाज वसीम को सबसे पहले, इसके साथ आमिर को भी कॉल किया गया कि आप दोनों हमारे साथ काम करें, आप हमारे साथ चलें, हम आपको T20 वर्ल्ड कप साल सन 2024 में लेकर जाएंगे। जिसके बाद इमाज वसीम ने ये फैसला किया है कि भाई साहब मैं रिटायरमेंट दे रहा हूं। और इमाज वसीम ने ये जो रिटायरमेंट दी है उसकी सबसे बड़ी वजह ये बनी है कि इमाज वसीम साल भर लीग्स खेलते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। इमाज वसीम ने सोचा कि यार मैं लीग्स ही खेल कर ज़्यादा कमा रहा हूँ, ना मुझे टीम में खिलाया जा रहा है। फिर मोहम्मद आमिर भी दूसरी तरफ इसी तरीके से थे, मोहम्मद आमिर भी लीग्स से काफ़ी ज़्यादा खूब पैसा कमा रहे हैं, मोहम्मद आमिर भी खुद टीम में नहीं आना चाहते, क्योंकि अगर ये पीसीबी के दोनों सेंटर कॉन्टैक्ट में कल रात को आ जाते तो कहानी जो है वो कुछ इस तरीके से बनती कि फिर ये एक बार जाके कोई भी लीग्स खेल सकते थे, चाहे वो T10 लीग हो, चाहे वो कैरेबियन कोई भी लीग हो, ये दोनों एक एक लीग बार की खेलते और एक PSL की लीग खेलते और बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहते। और 24 साल सन 2024 जो T20 वर्ल्ड कप हमारा अगला मिशन आ रहा है उसके अंदर इन दोनों को शामिल किया जाता। लेकिन इमाज वसीम ने इस चीज से माजरत कर ली, NOC जो वो देने का कहा कि मुझे NOC दिया जाए ताकि जाकर मैं लीग्स खेलूं। इसके अलावा मोहम्मद आमिर का भी यही है कि मोहम्मद आमिर भी अब लीग्स खेलेंगे। लेकिन अलबत्ता ये है कि पीसीबी की तरफ से हाथ पांव थोड़े से फैलाए गए मोहम्मद आमिर के लिए कि मोहम्मद आमिर वापस आकर खेलें। और ये मोहम्मद आमिर जो वापस आएंगे इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। देखो अभी नसीम शाह भी इंजर्ड पड़े हुए हमारे, और वर्ल्ड कप का जो हमारा मिशन था उसमें हमारे पास कोई भी ऐसा मेन बॉलर नहीं था जो उन विकेटों के ऊपर बॉलिंग करा सके, सिवाय मोहम्मद आमिर उस टाइम पे अगर होता वर्ल्ड कप में तो काफ़ी ज़्यादा कंपेन हमारी अच्छी हो जाती वर्ल्ड कप की। लेकिन उस टाइम पे मोहम्मद आमिर को सिलेक्ट किया जाना था, लेकिन फिर कुछ वजूहत बन गई लेकिन जिसकी वजह से सिलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन अब पीसीबी चाह रहा है कि मोहम्मद आमिर और इमाज वसीम जो है वो हमारा हिस्सा हो साल सन 2024 का जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें जो है वो ये दोनों नजर आए खेलते हुए और हमारे साथ जो है वो चलें, ये इसके बजाय कि ये लीग्स पर फोकस दें, लीग्स को छोड़ दें, ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। यहाँ पर जैसे नेशनल T20 कप हो रहा है, मोहम्मद आमिर भी खेलें, इमाद वसीम भी दोनों मिलकर यहाँ पर खेलें, उसके बाद डोमेस्टिक वगैरह खेलें, PSL खेलें, इसी PSL की बुनियाद पर जो लीग्स की इनकी कारकर्दगी होगी उसको देखते हुए T20 वर्ल्ड कप साल सन 2024 में जो है वो इन दोनों को खिलाया जाएगा। कल रात को ये रब्ता किया गया पीसीबी के ऑफिशियल्स की तरफ से इन दोनों को कि आप जो है वो रिटायरमेंट वापस ले लें दोनों मिलकर, और आप जो है वो हमारी शिप का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और लीग्स आप छोड़ दें, आप डोमेस्टिक खेलें और बाकी क्रिकेट आप खेलें, आपको जो है वो हम T20 वर्ल्ड कप खिलाएंगे। इस तरीके से जो है वो कुछ हुआ और इमाज वसीम की रिटायरमेंट आई है, मोहम्मद आमिर को भी रिटायरमेंट वापस लेने का कहा दोनों का, लेकिन दोनों ने आगे से जवाब दे दिया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर लें।